नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर बारा छिपाबड़ोद तहसील मुख्यालय स्थित क्षेत्र में तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई ईद पर्व। लॉकडाउन और कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए छिपाबड़ोद तहसील क्षेत्र के मुस्लिम भाइयों ने एकता की मिसाल कायम कर देश हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की, मास्क लगाकर अपने घरों पर अपने अपने हिसाब से ईद की नमाज अदा की। वहीं दूसरी ओर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर दिखाई दिए मुस्लिम भाइयों ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोरोना वैश्विक महामारी जैसी भयंकर बीमारी की रोकथाम को लेकर जहां सरकार प्रयासरत है, वहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सरकार के हर आदेशों की पालना करें, बिना मास्क लगाए बेधड़क रोड पर नहीं घूमे तथा ईद के दिन जो हजारों की संख्या में नमाज के लिए मुस्लिम भाई मस्जिदों में या जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती है वहाँ पर एकत्रित होते हैं, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए सभी मुस्लिम भाइयों ने अपने ही घरों पर ईद की नमाज अदा की। एक दूसरे को फोन पर ईद मुबारक का बधाई संदेश का तांता लगा रहा, लेकिन कहीं भी 5 से 7 आदमी एकत्रित नहीं हुए। इस दौरान हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को कायम रखने के लिए भी मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। कोरोना को देखते हुए सादगी से मनाई ईद, देश अमन चैन की मांगी दुआ। छिपाबड़ोद देश में चल रहे कोरोना काल को देखते हुए कस्बे में शनिवार को ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी सादगी से मनाया। पुलिस की निगरानी में पंजाब कॉलोनी स्थित ईदगाह पर 5 व्यक्तियों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। शहर काजी मंसूर अहमद ने बताया कि देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस महामारी को देखते हुए कस्बे में ईद उल अजहा की नमाज लोगों ने अपने घरों पर ही अदा की और ईद मस्जिद में 5 लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की और जल्द से जल्द इस महामारी के खात्मे की दुआ की। साथ ही शहर काजी ने लोगों को ईद उल अजहा और रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी।